हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ करुणा और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये ब्लू हेवन का फेस्टिव गिफ्ट बॉक्स। इस पर लिखा है बी ब्यूटीफुल दिस फेस्टिवल। ये एक पूरा कंप्लीट है मेकअप किट जो कि ब्लू हेवन ने क्यूरेट किया है कि अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं इस फेस्टिव सीजन में या आप अपने लिए परचेज़ करना चाहते हैं तो सिर्फ 999 रुपीज़ में आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। और इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, लाइक आपको इसमें बेस प्राइमर मिलेगा, मेकअप फिक्सर मिलेगा, हाई कवरेज फाउंडेशन होगा, शिमर मैट ब्लश होगा और 24 आवर स्टे काजल, आई पॉप आई शेडो और वॉल्यूमिनाइजिंग मस्कारा, मूस लिप कलर और ब्यूटी ब्लेंडर। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस बॉक्स के अंदर हैं। मैंने अभी तक खुद भी इस बॉक्स को ओपन नहीं किया है, तो चलिए जल्दी से इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग करते हैं और क्रिएट करते हैं एक मेकअप लुक ब्लू हेवन के इस फेस्टिव बॉक्स के साथ। सो सबसे पहले जो मैं आपको दिखा दूँ कि बॉक्स में सारी चीज़ें जो थी वो अच्छी तरीके से इस तरीके से रखी हुई हैं। और ये ऊपर ये कुछ फोम का शीट है जो रखा हुआ है ताकि प्रोडक्ट डैमेज ना हो। और ये जो भी प्रोडक्ट है वो इस तरीके से बॉक्स में सेट है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइमर से। मॉइस्चराइज़र मैंने लगा लिया है, अपनी स्किन को अच्छी तरीके से प्रेप कर लिया है। तो यहाँ पे मैं ढूंढ लूँ प्राइमर। ओके, तो ये है ब्लू हेवन का प्राइमर और ये कॉस्ट करता है आपको सिंगल 175 रुपीज़ का। और इसका जो नेट कंटेंट है वो 16 ग्राम्स का है, सॉरी। और ये मैन्युफैक्चरिंग इसकी अगस्त 2021 है और ये 36 मंथ तक जो है वो बेस्ट रहेगा कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको ओपन कर लेते हैं। ओके, सो ये इस तरीके की ट्यूब है और ये जेल बेस्ड प्राइमर है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की है, इसमें किसी भी तरीके की कोई फ्रेग्रेंस नहीं है। सो मैं इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी क्योंकि सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा रफनेस हो जाती है फेस पे, तो एक स्मूथ टेक्सचर आपको पूरे फेस पे चाहिए होगा ताकि जो भी आपका फाउंडेशन है वो अच्छे तरीके से स्टक हो जाए। तो बहुत ही सॉफ्ट कर दिया है इसने स्किन को मेरी और बहुत ही मुझे अच्छा सा फील हो रहा है। बारी आती है फाउंडेशन की। जो इनका फाउंडेशन है उसकी आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है। ये है ब्लू हेवन का 24 आवर स्टे फाउंडेशन। ये हाई कवरेज फाउंडेशन है, अल्ट्रा मैट है और इसमें SPF 50, PA++++ है और इन्फ्यूज़ विथ प्राइमर। अच्छा, इसके अंदर भी आपको प्राइमर मिलता है। ये वाटर प्रूफ है और क्रीज प्रूफ भी है और इसका MRP है 200 रुपीज़ का। अगर आप इसको सिंगल परचेज करते हैं तो ये आपको 200 रुपीज़ में मिलेगा। और इसमें यहाँ पे ये बिफ़ोर और आफ्टर भी दे रखा है कि किस तरीके से ये आपके सारे जो दाग धब्बे हैं उनको कितनी अच्छी तरीके से कवर कर लेता है। सो इसमें ये सारे शेड्स हैं, आपको इसमें मिलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 शेड्स आपको मिल जाएंगे इसमें। मेरा शेड कौन सा है, ये है हनी मीडियम। सो देखते हैं कि ये मेरे स्किन के साथ जाएगा या नहीं जाएगा। सो ये इस तरीके की ट्यूब में आपको मिलेगा और इसमें आपको यहाँ पे आगे एक पंप मिलेगा और ये बहुत ही शायद चेक करना चाहिए मुझे, बहुत ज़्यादा ये थिक कंसिस्टेंसी का नहीं है, बहुत ज़्यादा वाटरी कंसिस्टेंसी का नहीं है। सो ये कुछ इस तरीके का फाउंडेशन है। अब फाउंडेशन खोला है तो ब्लेंडर भी देख लेते हैं। सो ये ब्लेंडर है ब्लू हेवन का, इसकी कोई पैकेजिंग वगैरह नहीं है और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ब्लेंडर है। मैंने अभी इसको वेट नहीं किया है, ये ड्राई ब्लेंडर है अभी, तो मैं इसको जल्दी से वेट करके भी आपको दिखाती हूँ। एंड सी गाइस, वेट करने के बाद ये अपने साइज़ का जस्ट डबल हो गया और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ब्लेंडर ये। तो इसको अब यूज़ करते हैं। मैं ब्लेंडर पर्सन नहीं हूँ, मुझे ब्लेंडर या ब्रशेज इतने पसंद नहीं हैं, बट आई लाइक दिस वन वेरी मच। और इस फाउंडेशन में बहुत ही माइल्ड फ्रेग्रेंस है,
मुझे अपने हाथों से ही ब्लेंडिंग ज़्यादा पसंद है, बट आई लव दिस वन, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया ये ब्लेंडर। सो अगर आप इसको सिंगल भी परचेज़ करना चाहते हैं तो परचेज़ कर सकते हैं। इसका MRP इसमें मेंशन नहीं है क्योंकि इस पर भी कोई पैकेजिंग वगैरह नहीं थी, बट आई थिंक कि ये आपको रिजनेबल रेट में अवेलेबल होगा। सो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से जो है वो सारी चीज़ें ब्लेंड हो गई हैं। तो जो फाउंडेशन है वो इतना हाई कवरेज तो नहीं है, तो मैं यहाँ पे इस फाउंडेशन की सेकेंड लेयर भी अप्लाई करने जा रही हूँ। और मैंने इतना फाउंडेशन फिर से लिया है और मैं इसको फिर से अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। सो जो फाउंडेशन है उसका कवरेज बहुत ज़्यादा नहीं है, ओके ओके कवरेज है, उतना हाई कवरेज फाउंडेशन नहीं है, बट अगर आप डेली बेसिस पे यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। एंड सेकेंड जो लेयर हमने अप्लाई करी है इसके बाद इसका कवरेज थोड़ा थोड़ा विजिबल हो रहा है, बट नॉट दैट मच। ओके, तो इतना बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं है इसमें, बट स्टिल अगर आप एक रीजनेबल रेट में कोई फाउंडेशन देख रहे हो तो आप ज़रूर इसको ट्राई कर सकते हो। उतना हाई कवरेज आपको नहीं मिलेगा, पर मीडियम टू लाइट कवरेज आपको इससे ज़रूर मिल जाएगा। मूव ऑन करते हैं आईज़ की तरफ। तो जो इनका आई शेडो पैलेट है वो कुछ इस तरीके का है, और ये इसकी आउटर कार्डबोर्ड पैकेजिंग है, और इसके बाद ये अंदर पैलेट कुछ इस तरीके से है। इसका जो प्राइस है वो 175 रुपीज़ है, और इसका जो शेड है वो है कैरेमल लाटे, और इसके अंदर आपको मिलते हैं फोर शेड्स आपको इसमें मिल जाते हैं। और एक ये स्पंज ब्रश आपको मिलता है इसके साथ, और ये फोर शेड हैं इस कैरेमल लाटे वाले, जो इनका आप कह सकते हैं कि सो पिगमेंटेशन चेक कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा पाउडरी टेक्सचर है इनका, बट पिगमेंटेशन ओके ओके है, बहुत ज़्यादा हाई पिगमेंटेड ये नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू देयर प्राइस ये आई थिंक कि ठीक है, बहुत ज़्यादा ना कॉस्टली है ना बहुत ज़्यादा कम, मतलब जितना कॉस्ट है उस हिसाब से आई थिंक कि बेटर वर्क करेगा। चलिए एक आई लुक जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं। और ये जितने भी शेड हैं ये लाइट शिमरी शेड हैं, पूरे परफेक्ट मैट नहीं है, परफेक्ट शिमर नहीं है, बहुत ही हल्की सी शेयर सी शीन है। तो मैं यहाँ पे ये ब्राउन वाला शेड जो है इसको पिक कर रही हूँ, एक्स्ट्रा डस्ट ऑफ कर देंगे, एंड इसको मैं अप्लाई करूंगी अपनी क्रीज पे। और कोई इसमें आई प्राइमर या कंसीलर नहीं है, तो मैंने आईज पे भी आईलिड्स पे भी अपने फाउंडेशन ही अप्लाई कर लिया था। सो हम इसको क्रीज में अप्लाई करेंगे। सो वो ब्राउन शेड मैंने अपनी क्रीज और आउटर वी में प्लेस किया है। देन इसके बाद जो इसमें ये वाला जो पिंक शेड है इसको मैं इन्हीं के ब्रश से, ये जो ये स्पंजी वाला ब्रश है इनका, इससे पिक करूँगी। और जो मैंने ये जो एरिया अपने आईलिड का लेफ्ट किया है, मैं इस पूरे एरिया पे इसे अप्लाई कर लूँगी।
सो आई लुक जो है वो मैंने आई मेकअप अपना कंप्लीट कर लिया है स्किट की हेल्प से। इसमें कोई कॉम्पैक्ट नहीं है फेस को सेट करने के लिए, तो मैं अपना ही वाला कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ फेसेस कैनेडा का। सो मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ। मैं ब्लेंडर की हेल्प से ही अपने फेस को सेट कर रही हूँ। ये वेट है बट स्टिल वर्किंग है, ये बहुत अच्छे से मेरे फेस को सेट कर देगा। देन इसके बाद बारी आती है काजल की। जो काजल इनका ये है वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है और डीप कलर है फॉर बोल्ड आईज। ये 24 आवर तक स्टे करता है और इसका जो शेड है वो है जेट ब्लैक शेड। और इसका जो कॉस्ट है वो है 90 रुपीज़ का। एंड इसमें जो आपको प्रोडक्ट मिल जाता है वो 0.35 ग्राम्स का है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है सितंबर 2021 में और आप इसको 36 मंथ तक यूज़ कर सकते हैं। सो ये है काजल। ये है इसका शेड। जेट ब्लैक शेड है। सो मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ। बहुत क्रीमी नहीं है, थोड़ा सा आपको इस काजल के साथ एफर्ट करना पड़ेगा, बट ये है कि ये आपकी आंखों से कहीं जाने वाला नहीं है। आई थिंक सो। मैंने काजल अप्लाई कर लिया है और मैंने इसका ढक्कन खो दिया कहीं। थोड़ा सा काजल को स्मोक आउट करेंगे हम। और जो ब्राउन शेड है इस पैलेट में, उस ब्राउन शेड के साथ इसको मर्ज कर देंगे ये वाले शेड के साथ। एक अच्छा सा इफेक्ट आ जाए। बारी आती है मस्कैरा की। तो ये इनका मस्कैरा है जो कि 10X वॉल्यूमनाइजिंग मस्कैरा है और इसका जो कॉस्ट है वो भी 99 रुपीज़ का है और ये 36 मंथ तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है अगस्त 2021 में और ये 8 ml ऑफ टोटल प्रोडक्ट है। ये इसकी छोटू सी बॉटल है प्लास्टिक की और ये इसका वॉन्ड है, जैसे नॉर्मल वॉन्ड्स होते हैं मस्कैरा के, सेम वैसा ही है। सो चलिए अब इसको ट्राई कर लेते हैं। कोई डिफरेंस दिख रहा है मेरी लैशेस में? ऑनेस्टली मुझे नहीं दिख रहा है, बट मैं सेकेंड कोट भी अप्लाई करूंगी। और इस मस्कैरा में भी बहुत ही माइल्ड सी एक फ्रेग्रेंस है। सो इस किट में कोई आईब्रो किट नहीं थी तो मैंने अपनी आईब्रोज ऑफ कैमरा सेट कर ली हैं। और जो लास्ट प्रोडक्ट है वो ये बचता है ब्लू हेवन का शिमर मैट ब्लश। और इसका जो प्राइस है वो है 150 रुपीज़ और ये मैन्युफैक्चर हुआ है सितंबर 2021 में और आप इसको 36 मंथ्स तक यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो कंटेंट है वो 7 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट आपको मिलता है। सो इसकी जो इनर पैकेजिंग है वो कुछ इस तरीके की है और जो ब्लश का शेड है वो कुछ ऐसा है।
मैं आपको इसका पिगमेंटेशन दिखा देती हूँ. सो पीची शिमरी काइंड ऑफ शेड है ये, और इस शेड का नाम है डायमंड ब्लश ऑन नोन. सॉरी, इसका कोई नेम नहीं है, आई थिंक सो किस पे लिखा नहीं है. चलिए इसको भी अप्लाई कर लेते हैं. और इस ब्लश में भी बहुत ही माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है. सो या गाइस, ये है फाइनल लुक. और बारी आती है लिप शेड्स की, तो यहाँ पे आपको दो लिप ऑप्शंस मिलते हैं. एक ये पर्पलिश काइंड ऑफ शेड है और ये एक ब्राउनिश शेड है. सो मैं आपको दोनों ही शेड्स दिखाती हूँ कि ये कैसे शेड्स हैं इस वाली किट में. सो आई एम नॉट फैन ऑफ दिस काइंड ऑफ शेड एक्चुअली. मैं इसको आपको स्वॉच करके दिखा देती हूँ. ये बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है आई थिंक, बट मुझे इस तरीके के शेड्स अपने लिप्स पे अप्लाई करना पसंद नहीं है. तो ये पर्पलिश शेड है और इस शेड का नाम है शोगर 9, नंबर 9 शोगर, ये शेड जो है इसका नाम है. और ये आपको कॉस्ट करती है 150 रुपीज़ की. ये लॉन्ग स्टे हाइड्रेटिंग और ट्रांसफ़र प्रूफ लिपस्टिक है, सॉरी लिप मूस है आई. और ये 2.8 ml ऑफ कंटेंट आपको इसमें मिलता है. और इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है September 2021 में, और आप इसको 24 मंथ्स तक यूज़ कर सकते हैं. और बात कर लेते हैं सेकेंड वाले शेड की, तो इसको मैं आपको लिप्स पे अप्लाई करके दिखाऊंगी, ये वाला जो शेड है. और ये शेड जो है वो है नंबर 8 सैटिन ओक. पहले मैं आपको इसका हैंड स्वॉच दे देती हूँ. सो ये कुछ इस तरीके का शेड है, ब्राउनिश पर्पलिश ब्राउनिश काइंड ऑफ शेड है, ये प्रॉपर ब्राउन शेड नहीं है. चलिए अप्लाई कर लेते हैं. सो इस लिप शेड में भी एक फ्रेग्रेंस है, बट जैसी लिपस्टिक्स में फ्रूटी और चॉकलेटी काइंड ऑफ स्मेल होती है वैसी नहीं है, बट बहुत ही लाइट फ्रेग्रेंस है. सो मुझे ये लिप शेड पसंद आया बिकॉज ये डार्क है. और दूसरा वाला जो शेड है वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, बट क्योंकि किट है हम चूज नहीं कर सकते. सो इस वजह से जो भी रिसीव हुआ है वो रिसीव किया है, एंड इसको फिर मैं किसी को गिफ्ट कर सकती हूँ. सो या गाइस, ये था फाइनल लुक. और अब आपको एक फाइनल डेमो दे देते हैं सारे ही प्रोडक्ट्स का. वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है, सो आई एम सो सॉरी, बिकॉज बात करते करते मेकअप करना और मेकअप के जो भी प्रोडक्ट्स उनके बारे में जानकारी देने से जो भी वीडियो है वो थोड़ा लेंथी हो जाता है. सो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइमर की. सो ये जो प्राइमर है अपने कॉस्ट के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा वर्क करता है. मेरे फेस पे कोई भी विजिबल पोर्स नहीं है, बहुत अच्छे से फिल इन किया है पोर्स को इसने. और जितना इसका कॉस्ट है उस हिसाब से ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है. सो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं. अगर आप चाहें तो आप इसको सिंगल भी ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो आप ये जो ब्लू हेवन की किट मैंने आपके साथ शेयर की है आप वो भी परचेज कर सकते हैं. ये किट मैंने नायका से परचेज की है. और इसके बाद बात करते हैं ब्लू हेवन के ये जो फाउंडेशन है इसकी. फाउंडेशन मुझे ओके लगा, लेकिन फाउंडेशन यूज़ करने के बाद जो इसका टेक्सचर है फेस पे वो बहुत अच्छा है, कहीं से भी क्रीज नहीं हुआ है फाउंडेशन, जबकि मैंने 2 लेयर अप्लाई करी थी फाउंडेशन की. बट उतना हाई कवरेज फाउंडेशन नहीं है, ये तो बात बिल्कुल पक्का है. आपको इसको बिल्ड करना पड़ेगा अपने फेस पे, बट ये है एट द सेम टाइम अगर आप इसको बिल्ड भी करते हैं अपने फेस पे, लेयर बाय लेयर अप्लाई भी करते हैं, तो भी ये आपके फेस को क्रीज नहीं करेगा. सो अकॉर्डिंग टू रेट आप इसको भी एक चांस ज़रूर दे सकते हैं अपने शेड के अकॉर्डिंग. इसके बाद बात कर लेते हैं इनके ब्यूटी ब्लेंडर की. सो
जो इनका ब्यूटी ब्लेंडर है ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है इस पूरी किट में से। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा स्पंजी है और प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व नहीं करता, प्रोडक्ट को अच्छे से ब्लेंड कर देता है। तो अगर आप सिंगल ब्यूटी ब्लेंडर भी ख़रीदना चाहते हो तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली आते हैं आज की डेट में, और जो अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर अगर आपको चाहिए जो आपके फेस पे अच्छे से वर्क करे तो वो और भी ज़्यादा कॉस्टली आपको मिलेगा। बट दिस वन इज़ सो गुड, सो गुड। और इसके बाद बात करते हैं आई शेडो पैलेट की। तो मैंने आपको स्वॉच में दिखाया था कि किस तरीके का इनका कैसा कलर है इनका, बट ओके ओके है कलर जो पिक किया था मैंने फिंगर से। बट ब्रश से पिक करने के बाद आप देख सकते हो बहुत ही मतलब सही तरीके से आईज पे दिख रहा है कलर की कौन सा कलर है। और इसके बाद बात कर लेते हैं फॉल ऑफ की। तो बहुत ही माइल्ड फॉल ऑफ है इसमें, आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्रोडक्ट आप उठा रहे हो लगा रहे हो और आप पूरा बह जा रहा है आपके फेस पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी अच्छा है और अकॉर्डिंग टू रेट भी बहुत अच्छा है। तो आप अपने हिसाब से अगर आप सिंगल परचेज कर रहे हो तो आप देख सकते हो कि आपको कौन सा आई शेडो पैलेट चाहिए, और अगर आप किट परचेज कर रहे हो तो मे बी आपको भी किट में सेम आई शेडो पैलेट रिसीव हो। इसके बाद बात करते हैं काजल और मस्कारा की। तो मस्कारा मुझे उतना पसंद नहीं आया जितना कि मुझे काजल अच्छा लगा। काजल भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है कि आपके साथ बहुत अच्छा वर्क करेगा, बट 90 रुपीज़ में अगर आपको काजल मिल रहा है तो ठीक है, बट आपको लैक्मे वगैरह के भी 150 अराउंड मिल जाते हैं काजल। सो अगर आप चाहो तो इट्स टोटली अप टू यू, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप लैक्मे वगैरह के काजल भी परचेज कर सकते हो। और अगर आप किट परचेज कर रहे हो तो फिर क्या ही कहना है। सो ये थे सारे प्रोडक्ट्स। और इसके बाद बात कर लेते हैं ब्लश की। सो ब्लश भी जो है वो ओके ओके काइंड ऑफ ब्लश है, अकॉर्डिंग टू रेट जो इसका पिगमेंटेशन है आपके फेस पे नेचुरल लुक देता है। मतलब अकॉर्डिंग टू अगर आप रेट जाओगे तो एक अच्छा ब्लश है आपको एक नेचुरल लुक देता है बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं आपको फील होगा कि आपने जो क्या ही तो अप्लाई कर लिया है फेस पे। सो अगर आप चाहो तो इस ब्लश को भी ट्राई कर सकते हो, और अगर आप किट खरीदोगे तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर ही लोगे। इसके बाद बात कर लेते हैं लिपस्टिक्स की। तो लिपस्टिक का जो ये वाला शेड है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे डार्कर होता जा रहा है, और मेरे लिप्स जो हैं वो चैप्ड हो रखे थे, और मैंने चेक करने के लिए कि वो हाइड्रेटिंग है कि नहीं है उनको कोई उस पर वैसलीन या कुछ भी लिप ग्लॉस वगैरह अप्लाई नहीं किया था। तो लिप्स जो हैं मेरे वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लग रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि खिंच रहे हैं या स्ट्रेच हो रहे हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा है, बट अकॉर्डिंग टू मी ये जो दोनों शेड हैं वो मुझे पसंद नहीं आए। सो मैं डेफिनेटली इनकी बाकी की लिपस्टिक्स ज़रूर ट्राई करूँगी। देन जो लास्ट प्रोडक्ट है हमारा वो बच गया था, वो है मेकअप फिक्सर, और ये है लॉन्ग लास्टिंग मेकअप फिक्सर ड्वी ग्लो लुक सिल्क मैट इफेक्ट 5 सेकेंड क्विक ड्राई। ये मिनी पैक है और इसका कॉस्ट है 175 रुपीज़। ये इसकी इनर पैकेजिंग है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, सॉरी आप इसको 3rd of 2024 तक यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसको शेक कर लेती हूँ एंड ओके। सो इसकी इनर पैकेजिंग जो है उसमें कुछ आपको क्रिस्टल क्रिस्टल टाइप का दिखाई देगा, ये इसके पैकेट में है। और इस फिक्सर की जो स्मेल है वो लिटरली स्प्रिट जैसी है। सो ये वर्क कैसा करता है ये तो मैं आपके साथ अभी शेयर नहीं कर सकती, बट आफ्टर मेकअप फिक्सर ओके। सो एक ग्लोई एक डुई काइंड ऑफ आपके फेस पे इफेक्ट दे रहा है ये मेकअप फिक्सर, और इसका जो कॉस्ट है वो भी 175 रुपीज़ है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कॉस्टली मेकअप फिक्सर के पास नहीं जाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं, एक ट्राई दे सकते हैं। बट मैं कहूँगी कि आप किट को ट्राई करें तो आपको कम रेंज में
सारे ही प्रोडक्ट ट्राई करने मिल जाएंगे। सो या गाइस, मेरा ओवरऑल रिव्यू ये है कि किट अच्छी है। अगर आप बिगनर हो तो आप डेफिनेटली इस किट को ट्राई कर सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स को नहीं परचेज करना चाहते हो, आप सीख रहे हो, तो आप इसमें इन्वेस्ट करो, इस किट में इन्वेस्ट करो और आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा इस किट से। और या गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, ये प्रोडक्ट्स अच्छे लगे हों, अगर आपने परचेज़ किए हों, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड मेक श्योर कि इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।